नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़चाल टेक फाइव चंदन मैम। मैं चंदन। तो अरे यहाँ मैं बात करूँ, यदि आपकी आधार कार्ड भूल गई है और यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है जिसके जरिए आप अपनी आधार नंबर जान सकते हैं, तो अरे यहाँ मैं आज एक ट्रिक बताऊँगा जिसके जरिए आप अपनी आधार नंबर जान सकते हैं यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। तो चलिए आज इन सब के बारे में चर्चा होगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार इसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको कॉल करना है 1947 पे, यानी कि 1947 पे कॉल करना है। और यदि आप 1947 पे कॉल करते हैं तो यार यहाँ आपसे कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। तो चलिए आगे मैं सबसे पहले बता दूं कि कस्टमर केयर क्या क्या प्रूफ मांगा आपसे, यदि जिसका भी आधार कार्ड भूल गया उसका प्रूफ मांगा। तो यार यहाँ आपको क्लियरली नाम बताना पड़ेगा, जो भी आधार कार्ड पर नेम लिखा रहेगा वो नाम बता देना है, जिसका भी आधार कार्ड भूला रहेगा उसका नेम बता देना आपको, और साथ ही साथ उसका फादर नेम या जो भी हस्बैंड नेम होगा वो पूछा जाएगा। तो अरे वो भी आपको क्लियर बता देना है, और यहाँ आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, और साथ में पिन कोड पूछा जाएगा, और साथ ही में आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो अरे यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। और ये सब डिटेल दे देने के बाद आपका रिलेशन पूछा जाएगा, यदि जिसका भी आधार कार्ड बोला है उसके साथ आपका रिलेशन पूछा जाएगा, यदि आपका बोला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार उसके बाद आपको कस्टमर का इनरोलमेंट नंबर देगा जो कि 14 अंकों का रहता है, और यार 14 नंबर का इनरोलमेंट नंबर पा जाने के बाद इजीली आप आधार नंबर जान सकते हैं, वो भी 1947 पे कॉल ही करके। तो चलिए मैं लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कॉल करना है, किस नंबर पे कस्टमर केयर से बात होगा, कैसे यदि आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो आप अपनी आधार नंबर जा सकते हैं। संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है, वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। हिंदी में जारी रखने के लिए एक, नामांकन या अपडेट की स्थिति के लिए एक दबाएं, अपने आधार नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं, ऑनलाइन अपडेट से संबंधित प्रश्न के लिए दो दबाएं। यदि आपने अपना आधार खो दिया है या आधार गुम हो गया है और आपको पुनर्मुद्रण की आवश्यकता है, तीन दबाएं। ई आधार के बारे में जानने के लिए चार दबाएं। यदि आपसे आपकी नामांकन या अद्यतन पर्ची गुम हो गई है, पांच दबाएं। इस सूचना को फिर से सुनने के लिए आठ दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए शून्य दबाएं। हमारे अगले उपलब्ध सहयोगी से बात करने के लिए नौ दबाएं। तो ये स्टेप फॉलो करके आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, और कस्टमर केयर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपसे नाम, एड्रेस, पिन कोड पूछे, वो आप प्रोवाइड करके आप इजीली इनरोलमेंट नंबर जान सकते हैं। और ये इनरोलमेंट नंबर जानने के बाद आप इनरोलमेंट नंबर से आप अपने इजीली आधार नंबर भी जान सकते हैं, वो भी 1947 पे कॉल करके। तो चलिए मैं आगे वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप इनरोलमेंट नंबर से आधार नंबर जान सकते हैं। तो यार उसके लिए आपको 1947 पे डायल करना है। नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। अपने आधार नामांकन या अपडेट की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं। और कृपया अपना 14 अंकीय नामांकन नंबर या अपडेट अनुरोध नंबर दर्ज करें। तो ये स्टेप फॉलो करके आप कैसे इनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन पर जाएंगे वो आप जान गए। तो यहाँ से आपको 14 अंकों का इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, और इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपसे आपकी एरिया का पिन कोड पूछा जाएगा। तो आप यदि अपनी एरिया का पिन कोड डाल देते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ से आधार नंबर बताया जाएगा जो कि आपको लिख लेना है। और यहाँ मैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये बता दूँ आपको, ये सब काम करते समय आपको अपने पास कापी और पेन दोनों रख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा और साथ में आपका आधार नंबर मालूम हो जाएगा। और यहाँ से आपको कस्टमर केयर इनरोलमेंट नंबर तो देगा ही, और साथ में यहाँ आपको जिस भी डेट का आपका आधार नंबर बना है वो आपको बता देगा, किस टाइमिंग पर बना है वो सब आपको मालूम चल जाएगा। तो यार यदि आपके पास कापी और पेन रहेगा तो आप इजीली कापी और पेन पर लिख सकते हैं अपनी इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर और किस डेट को पब्लिश हुआ वो भी आप सब लिख सकते हैं। तो यार फाइनली वीडियो में बस इतना था, और आगे आपको जो भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छे हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।